हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक बिला में। मैं हूं आपका दोस्त एंड दोस्त सेकंड इंग्लिश। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू यूज़ वीवा कट वीडियो एडिटर ऐप। दोस्तों, वीवा कट जो है नाम से ये ऐप है, इसको कैसे आपको यूज़ करना है, कैसे चलाना है, हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और इस तरह का ये ऐप है आप सभी के सामने। आप जब प्ले स्टोर में जाएंगे वहाँ पर आपको वीवा कट प्रो वीडियो एडिटर फ्री वीडियो एडिटिंग ऐप जो है दिखेगा। इसको ओपन कर लीजिए। करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी जिसमें क्रिएट का ऑप्शन है। क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करिए। करने के बाद में आपको उन वीडियोस पे क्लिक करना है जिनको आप डालना चाहते हैं इसमें बारी बारी से, तो उस पर क्लिक कर दीजिए। या फोटोज़ भी ऐड करना चाहते हैं तो इमेजेस में जाइए, और इमेजेस में जाने के बाद में फ़ोटो भी आप जो ऐड कर सकते हैं। ऑनलाइन कुछ चीज़ें अगर उठाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर कुछ आपको मैजिकल क्रोमा की वगैरह दिए हुए हैं, वहाँ से आप जाके इनको उठा सकते हैं, लगा सकते हैं अपने वीडियो के ऊपर में, जो कि काफ़ी अच्छे ऑप्शन दिए गए हैं इसके अंदर। इस ऐप के पहले एक क्विक इन्फॉर्मेशन अदर ऐप के बारे में। फूरे ऐप गेट मोर गूगल रिव्यूज। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अपने गूगल पेज का या बिजनेस पेज का रिव्यू ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना तो फूरे ऐप को आपको करना होगा डाउनलोड, और इसके थ्रू आप जो है ज्यादा से ज्यादा अपने रिव्यूज बढ़ा सकते हैं। और रिव्यूज बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे आपके ग्राहक और बढ़ेगा आपका बिजनेस। तो भूलिए मत और डाउनलोड करिए फूरे ऐप। अभी जो हम बैक चले जाते हैं, और जाने के बाद में एक मिनट, वीडियोस जाने के बाद में नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन दिया है उस पर आपको क्लिक कर देना है, तो आपके वीडियो जो है लाइन अप हो जाएंगे। इसमें आपको एडिटिंग है, पूरी एडिटिंग आप इसके अंदर में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम आपको बताना चाहता हूँ। इधर पर आप देख सकते हैं नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ये आप स्लाइड करेंगे तो इधर से उधर तक आपको सारे ऑप्शन दिए गए हैं। एडिट क्लिप का एक ऑप्शन है जिसके अंदर में आप क्लिप को एडिट करना चाहते हैं। क्लिप एडिट के अंदर में आपको उसको एनिमेट कर सकते हैं। पहले तो आप उसको अगर रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट कर सकते हैं। जूम करना चाहते हैं तो जूम कर सकते हैं। इस तरह से आपको फिंगर से आप जाके जूम आउट जूम इन कर सकते हैं वीडियो को, जो कि अच्छा एक फीचर है जिसमें आप अगर नीचे लोगो वगैरह लगे हो तो उसको हटा सकते हो, है ना। तो इस तरह से जो है आप इसको जूम आउट जूम इन कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो है एनिमेटर है, फिल्टर्स के अंदर में आप जो है अलग अलग फिल्टर इसमें लगा सकते हो, जिससे कि आपके वीडियो की अलग अलग फ़ोटो जो है ब्राइटनेस है कम ज़्यादा है वो आपकी यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। और डन पे आपको क्लिक कर देना। आप वहीं से आप चाहो तो सारे वीडियोस पे सारी क्लिप्स में इकट्ठा ऑप्शन आपको आता है, उसमें इकट्ठी क्लिप्स में सारे इफेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद एडजस्टमेंट, जिसके अंदर में आप ब्राइटनेस सेचुरेशन वगैरह आप जो है इसमें अलग अलग चीज़ों को सेट कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो, है ना। तो ये चीज़ें ट्रांसफॉर्मेट ट्रांसफॉर्म्ड का एक ऑप्शन यहाँ पे दिया है जिसमें आप इसको फ्लिप करना चाहो, रोटेट करना चाहो, ये सारा कुछ आप जो है इसमें कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जो है ये सारी कुछ करने के बाद स्पीड आप इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इसको चाहते हैं कि जल्दी जल्दी वीडियो चले या स्लो चलाना चाहते हैं, है ना, तो स्पीड आप इसकी जो है कम भी कर सकते हैं और फास्ट भी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए हुए है। इसके बाद में हम बैक चले आते हैं, और आपको यहाँ पे एडिट क्लिप के ही अंदर में जितनी भी क्लिप है आपको स्प्लिट करना चाहते हैं, अगर 20 से आप काटना चाहते हैं तो स्प्लिट पर क्लिक कर दीजिए। करने के बाद में एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो उस क्लिप को क्लिक करिए, और वहाँ से उसको आगे पीछे आप जो है एक साइड जिस साइड से आपको घटाना है उसको वहाँ से आप घटा बढ़ा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको क्लिप के अंदर में स्पीड हो गया, रिवर्स कर सकते हैं वीडियोस को, जिस क्लिप को आप रिवर्स करना चाहते हो उस पर क्लिक करिए और रिवर्स पे क्लिक कर दीजिए। आपका जो वीडियो है वो रिवर्स हो जाएगा, वो जैसा चल रहा था उससे अब वो उल्टा चलने लगेगा। इसके अलावा फ्रीज़ का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें आप क्लिप के ऊपर फ्रीज़ अप्लाई कर सकते हैं, उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, ये ऑप्शन वहाँ पर आपको दिए हुए हैं। तो इसके अंदर में आपको सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अगर आप क्लिप डिलीट करना चाहते हैं तो क्लिप को क्लिक करिए और डिलीट कर, सबसे लास्ट में ऑप्शन आएगा आपको, उससे आप जो है डिलीट भी कर सकते हैं। ये एडिट क्लिप के अंदर में। ओवरलेस के अंदर में दोस्तों आपको यहाँ पे आप और भी यहाँ से अगर लेना चाहते हैं क्लिप को तो ले सकते हैं। टैक्स के ऑप्शन में आप यहाँ पर कोई टैक्स डाल सकते हैं, जैसे कि हैप्पी बर्थडे वाला कुछ आप डालना चाहते हो, तो इस तरह से आप जो है क्लिप को उठा के एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ भी डालना चाहते हैं उसको डाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप क्लिप में जो है टैक्स के अंदर में ही आप जो क्लिप आपको नहीं चाहिए है, अगर आपकी सपोज आपकी गलती से डल जाती है तो उसको आप जो है टैक्स के अंदर में जाके आप जो है उसको हटा भी सकते हैं क्रॉस करके। और अगर आपके गलती से आपकी कोई चीज़ इसमें लग गई, अप्लाई हुई, उसको हटाना चाहते हैं तो आप देखेंगे वीडियो जो बना हुआ है उसके नीचे एक आपको बैक का ऑरो बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो आपने अप्लाई की हैं चीज़ें वो वहाँ से हट जाएंगी।
इसके बाद में दोस्तों नीचे टैक्स के बाद में स्टिकर का ऑप्शन है, अलग अलग स्टिकर्स यहाँ पे दिए गए हैं, वो आपको सिंपल क्लिक करना है। तो स्टिकर आपका जो है पहले क्लिक होने के बाद डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड होने के बाद में आप जो है उसको अप्लाई कर पाएंगे। जैसे मैंने ये अभी यहाँ पे स्टिकर डाल दिया, इसको घुमाना है, रखना है, कहीं भी रखना है, ये आप इस तरह से उसको लगा के छोड़ सकते हैं स्टिकर को। इसके बाद में दोस्तों एक जो अच्छा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है वो है VFX का, और जो कि आपके एनिमेटर के अंदर में आप जो है एनिमेट आपने कर लिया है। इसके बाद में आप बैक चले जाइए और आपको बाहर जाके टेक्स्ट का ऑप्शन, स्टिकर का ऑप्शन, उसका VFX का ऑप्शन आता है, जिसमें आपके वीडियो जितनी देर तक आप इसको क्लिक करेंगे आपका जो है एनिमेटर चलता रहेगा। इसमें दो तीन ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनको करने के बाद में आप बैक चले जाइए, वो अप्लाई हो जाएंगे। म्यूज़िक का ऑप्शन है जिसके अंदर में आप ऑनलाइन म्यूज़िक चूज़ कर सकते हैं, कौन सी म्यूज़िक डालना चाहते हैं। डाउनलोड का ऑप्शन है जहाँ से आप जाके सर्च करके डाउनलोड जो आपने की वो वहाँ पे आ जाएगा। माय म्यूज़िक के अंदर में आपके खुद के मोबाइल के अंदर में जो म्यूज़िक डली हैं उनको आप यहाँ से कोई भी म्यूज़िक को उठा के एक क्लिक करिए, इसके कितनी क्लिप आपको रखनी है उसको वहाँ से एडजस्ट करिए, करने के बाद में ऐड पे क्लिक कर दीजिए, तो वो म्यूज़िक वहाँ से आपकी ऐड हो जाएगी। अलग अलग क्लिप के अंदर में अलग अलग म्यूज़िक आप वहाँ पे डाल सकते हैं, और VFX मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसके बाद में आता है स्प्लिट का ऑप्शन, जो आप जान चुके हैं, डुप्लीकेट आप किसी क्लिप को करना चाहें तो डुप्लीकेट कर सकते हैं। और इसके बाद में जो है कैनवास का एक ऑप्शन दिया है, जिसके अंदर में आपको किस कैनवास में चाहिए है, मतलब आप 1x1 के वीडियो में चाहते हैं, यूट्यूब के लिए चाहिए, टिकटॉक के लिए चाहिए, तो उस हिसाब से आप इसको अलग अलग एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के हिसाब से पोस्ट है तो इसका साइज़ जो है वीडियो का उस हिसाब से हो जाएगा, ताकि वो इंस्टाग्राम या यूट्यूब में आराम से हो सके। बैकग्राउंड का एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, जहाँ पे आप अलग अलग बैकग्राउंड डाल सकते हैं, जो भी कलर आपको लग रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपको सारी क्लिप के अंदर में बैकग्राउंड डालना है तो आप जो है उसको 100 ऑल पे करके, सिलेक्ट ऑल पे करके आप डाल सकते हैं। सब कुछ करने के बाद में जब आपका वीडियो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, करने के बाद में दोस्तों आपको जो है लास्ट में आपको जो है एक्सपोर्ट का ऊपर ऑप्शन दिया गया है, जिसमें वो आपसे पूछता है कि काय में आप करना चाहते हैं। 720 पिक्सल में लास्ट ऑप्शन दिया गया है, इससे ऊपर अगर आप करना चाहते हैं तो आपको इसका जो है प्रो ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसके लिए चार्जेस अप्लाई होते हैं। हालांकि 720 पिक्सल भी काफ़ी अच्छा साइज़ है एक नॉर्मल मोबाइल के लिए। इस तरह से आपका जो है वीडियो सेव हो चुका है आपकी गैलरी में, यहाँ से आप चाहें तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं अलग अलग जगह।